सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मैं होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होगे। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे बंदों में, टू बी प्रिसाइज मैं ऐसे 10 बंदों की बात करने वाला हूँ। मैंने हर एक टीम से दो बंदे उठाए हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे बंदों के बारे में जो कि एक स्क्वाड को क्लच करने में बहुत कम सेकेंड्स लगाते हैं, फिर बहुत कम टाइम लगाते हैं। 5 प्लेयर्स हु कैन क्लच अ स्क्वाड इन सेकेंड्स। सो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसे बंदों के बारे में उठाऊंगा और उन बंदों के बारे में बताऊंगा कि ये बंदे जो है वो बहुत जल्दी क्लच निकाल सकते हैं किसी भी स्क्वाड का। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी ये पूरी तरह से मेरा ओपिनियन होने वाला है, हो सकता है कि आप इस ओपिनियन से अग्री ना करें, बट आई नो मैक्सिमम लोग इस ओपिनियन से अग्री करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम देरी किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर किसी भी तरीके से नए आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो पक्का ही है यार। बाकी हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 5th नंबर पे हमारे आते हैं GXR के सोहम और हमारे GXR के वासियो। सो बहुत लोग में आप लोग में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि मैंने वासियो के साथ हमारे ताहिर या फिर एक्स डिवाइन को क्यों नहीं लिया। सो मैंने सोहम को इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स हमारे जो सोहम है वही हमारे GXR से ज़्यादातर केस निकालते हैं और वासियो और सोहम भी हमारे GXR से ज़्यादातर MVP बनते हैं। अगर आप आजकल के स्क्रिम्स देख रहे होंगे या फिर आपने सोहम को FYC में भी देखा होगा तो आप जानते होंगे कि सोहम कितने ज़्यादा किल्स अपनी टीम से निकालते हैं। सो ज़्यादा ना देरी करते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारी जो 4th नंबर पे जो दो बंदे आते हैं वो दोनों ही आते हैं हमारे TSM यानी कि हमारे TSM FTXC और इन दोनों बंदों में ये नमान नाम आता है ओल्ड मॉन्ग और मिस्टर JYT। तो भाई मिस्टर JYT तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयर हैं और ये भी सही नहीं, बहुत टाइम पहले से ही नहीं हम लोग डिस्ट्रॉयर बुलाते हैं क्योंकि इनका गेम प्ले ही कुछ ऐसा लेवल का है और उन्होंने बहुत सारे क्लचेस निकाले हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा पहले का भी एक्सपीरियंस है। रही बात ओल्ड मॉन्ग की, तो ओल्ड मॉन्ग मेरे उन कुछ फेवरेट प्लेयर्स में से हैं जिनसे अगर आप मान लो TSM अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है बट ओल्ड मॉन्ग एक ऐसे प्लेयर है जिनसे आप हमेशा ही ये उम्मीदें रख सकते हैं क्योंकि TSM ओल्ड मॉन्ग जो है वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे क्योंकि TSM के जो ओल्ड मॉन्ग हैं वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है और इनके जैसा कंसिस्टेंट प्लेयर अगर मेरी ओपिनियन से आप बोलो तो पूरे इंडियन सर्वर में कोई भी नहीं है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं अब 3rd नंबर पर। तो हमारे 3rd नंबर पर जो दो बंदे आते हैं TSG ओजस्वी और हमारे TSG लेजेंड। सो अगर आप इन दोनों ही बंदे को देखा होगा और अगर आपने अगर हाल ही का भी कोई टूर्नामेंट देखा होगा जैसे कि हमारे मान लो आप दिवाली ऑलस्टार्स को ही ले लो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो TSG ओजस्वी हैं और TSG लेजेंड जो है वो अपनी टीम से मैक्सिमम आउट ऑफ किल्स निकालते हैं और TSG ओजस्वी ने बहुत सारे क्लचेस कर रखे हैं और TSG ओजस्वी का लास्ट मैच का ले लो कालहारी मैच में हमारे TSG ओजस्वी के अकेले 8 किल्स थे यानी कि 2 स्क्वाड्स ये किल्स TSG ओजस्वी के अकेले हो रखे थे और TSG अभी जिस फॉर्म में चल रही है वो तो भी बताने की ज़रूरत ही नहीं और हमारी TSG लेजेंड है क्योंकि अभी ऋतिक नहीं खेल रहे तो हमारे वो IGL ही बन रहे हैं। सो IGL होकर किल ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप क्योंकि आपको पूरी टीम को साथ में लेके चलना होता है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं अब 2nd नंबर पर। सेकेंड नंबर पर मैं जो दो बंदे आते हैं वो हैं TG डिलीट और TG माफिया। सो आप लोगों को इन दोनों के बारे में तो पता ही होगा, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों प्लेयर्स के मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों को मैंने 2nd पोजीशन पर क्यों रखा है, सो उसका एक ही एक रीज़न है कि इन दोनों ने जो है वो अपने ई-स्पोर्ट्स जो करियर है उसका शुरुआत थोड़ी सी देरी से की थी और इन्हें हल्की सी एक्सपीरियंस की कमी अगर आप समझ सकते हैं तो वो है। हालांकि मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करता हूँ, ये दोनों ही अटॉक दम टॉप नॉच प्लेयर्स हैं और TG माफिया की मुझे पर्सनली IQ जो है TG माफिया का वो बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे TG डिलीट की जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी है हेडशॉट मारने की क्योंकि वो बहुत ही कम टाइम में एक क्लच निकाल सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ और नंबर 1 पे बहुत सारे बंदों ने ये गेस कर लिया होगा कि हमारे आते हैं टीम लीड के किलो और हमारे टीम लीड के पहाड़ी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो टीम लीड के पहाड़ी हैं वो अपनी टीम में स्नाइपर का रोल प्ले करते हैं और हमें सबको पता है कि पहाड़ी की स्नाइपिंग बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्विच करते हैं। तो अगर एक स्नाइपर जितनी जल्दी स्विच करेगा और उसकी एक्यूरेसी जो है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतनी ही जल्दी एक स्क्वाड को क्लच कर पाएगा। सो अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो पहाड़ी की एक्यूरेसी और उनकी स्पीड को देख के मैंने उन्हें नंबर 1 पर रखा है क्योंकि अगर उनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और उनकी स्पीड भी है जो स्नाइपिंग की अच्छी है तो वो 2 गोली में इजीली एक नॉक निकाल सकते हैं और अगर वो 2 गोली में एक नॉक निकाल सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें एक क्लच निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और रही बात अगर किलर की, तो किलर जो है वो हेडशॉट्स बहुत ईजीली कनेक्ट कर लेते हैं हमारे ई स्पोर्ट्स में जो कि बहुत ही कम बंदे कर पाते हैं अभी इंडियन सर्वर में। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।